श्री राम कथा में व्यास गद्दी पर विराजमान आदरणीय संत मुरलीधर जी महाराज, जिनका 17वां जन्मदिन है, उस सिलसिले में 7 दिवसीय जो प्रोग्राम होंगे और सबको हमें ऊर्जा दे रहे हैं, ऐसे संत चिदानंद जी सरस्वती महाराज के चरणों में प्रणाम। रमेश भाई ओझा जी बैठे हैं, उनके बहुत आलेख हम पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं, आपके चरणों में भी प्रणाम। हमारे गवर्नर उत्तराखंड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह जी, आपके चरणों में भी प्रणाम। साध्वी भगवती प्रसाद, आपके चरणों में सरस्वती जी, भगवती सरस्वती जी के चरणों में प्रणाम। अजय भाई जी के चरणों में भी प्रणाम। मैं वैसे गाने का इच्छा रख रहा था तो, लेकिन मुझे लगा कि बाद में होगा, वो ऐसा मुझे बताया गया है। अभी मैं आपके बारे में कुछ शब्द कहूंगा। किसी संत ने कहा है, आग लगी इस जंगल में, झर झर झरे अंगार, संत ना होते जगत में तो जल जाता संसार। ऐसे संतों के चरणों में प्रणाम। फिर मुझे याद नहीं है, अजय भाई जी मुझे करेक्ट करेंगे, शायद कबीरदास जी ने कहा होगा, तरवर पर्यावरण की रक्षा आप कर रहे हैं, उन्होंने एक ही दोहे में सारी बातें कह दी, तरवर सरवर संत जन चौथा बरसन में, परमार्थ रे कारण चारों धारी दे। इसलिए परमार्थ निकेतन बना है सर, प्रणाम आपको। मैं मीराबाई को आपने याद किया, दिव्यांग का विषय भी आया, प्रधानमंत्री जी के पास हम बैठे थे, थावरचंद जी गहलोत अभी गवर्नर हैं कर्नाटका के, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री थे, मैं भी साथ ही था। उन्होंने कहा भी ये नाम बदलो, विकलांग नाम ठीक नहीं है। जो प्रधानमंत्री का सोच था वो था कि कोई अंग एक्सीडेंट में चला गया, कोई अंग बाद में कैसे चला गया, कोई अंग जन्म से भी नहीं है तो भी भगवान ऐसा एक दिव्य अंग उसको देता है जो सारी कमी पूर्ति करता। उस दिव्यांग को ढूंढो, वो विनोद जी ढूंढ रहे हैं रिसर्च करके। आज का तो बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है, बहुत ही सुंदर कार्यक्रम है। मैं मीरा का जिक्र आया तो मीरा का एक अंतरा आपको, भीनवाल वाला तो पूरा था आपने कहा था, लेकिन मीरा राम धन की डेफिनेशन देती है। बहुत से लोग कहते हैं गवर्नर सर कि डेमोक्रेसी की परिभाषा अब्राहम लिंकन ने बहुत अच्छी दी, मैं कहता हूं कि जो राम धन की डेफिनेशन मीरा ने दी है, ऐसा आज तक कोई नहीं दे पाया था। व्हाट इज द राम धन, मीरा कहती है, खर्चा नहीं खूटे इने। क्या कह रही है जी मीरा, खर्चने से कम नहीं होता, चोर भी उसको ले जा नहीं सकते। रामधन ऐसा मुझे प्राप्त हुआ है गुरु की कृपा से, खर्चा नहीं खूटे इने, चोर नहीं लू जन्मी और गुरुदेव मिले यहीं रह गई। ऐसे ही मीरा संत रविदास जी के पास जाती है और क्या कहती है, और वो जो वस्तु देती है रविदास जी, उसको कैसे धारण करती है और कैसे राम का ज्ञान प्राप्त होता है। वस्तु अमो, क्या वस्तु थी वो, काम कर रहे थे वो, पानी था। और मीरा को का समरण भाव से आई है, क्या राजघराना लगती हो मीरा तुम, मेरे पास किसने भेजा कि रामानंद जी ने भेजा, समर्पण भाव से आई हो क्या, बोला बिल्कुल समर्पण भाव से आई हूं। तो बोला हाथ करो ऐसे, जैसे ही हाथ किया संत रविदास जी ने जो प्रसाद दिया
और मीरा चांदन हो गयो भाई साहब, ब्रह्मांड दिखन ला गयो मीरा ने। तार समझ में आई कि नहीं आई? तो क्या वस्तु थी वो जो आज दे रहे हैं हमें, दिव्यांग के लिए दे रहे हैं, पेड़ लगाने के लिए कह रहे हैं, कल पर्यावरण दिवस भी है, एक एक पेड़ सब लगाना आप। क्या वस्तु थी वो जो मीरा को मिली, हमें भी मिल रही है गुरुदेव की कृपा से आज गंगा के तट पे। वस्तु अमो थी मेरे सत हो जाओगे, ऐसे मीरा कह रही है। कैसे? सत की ना खेवटिया सत गुरु रे, सत की ना खेवटिया सत गुरु रे, सत की ना खेवटिया सागर तरी आ पायो जी मैंने राम रतन धन पा, पायो जी मैंने राम रतन। भाई मीरा के प्रभु गिरधर ना कर रे, चंद्र की।